कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अपनी लिखी किताब को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने अपनी किताब में वही लिखा है जो कांग्रेस ने उन्हें अभी तक पढ़ाया है। विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने धर्म व मजहब के नाम पर देश का बंटवारा करवाया है। विज ने कहा कि कांग्रेस नेता सेकुलरिज्म के कुर्ते डालकर लोगों को ज्ञान बांटते हैं और राजनीति करते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISI से कर लिया, जिसके बाद बवाल मच गया, क्या कहेंगे? सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में वही लिखा है जो इतने सालों से कांग्रेस ने उनको पढ़ाया है, जो इनकी सोच रही है। कांग्रेस पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्होंने देश का बंटवारा करवाया, धर्म के आधार पर इन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया। जब मौका आता है इनकी सांप्रदायिकता सामने आ जाती है और उसके बाद ये सेकुलरिज्म के कुर्ते डालकर लोगों को ज्ञान बांटते हैं और राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा पंजाब को पराली जलाने के मामले पर सख्ती बरतने के लिए बोला गया है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हम कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उचित फैसला व कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल को अपनी कमियों को दूसरों पर डालने की आदत है और दिल्ली में 90% प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकारों को पराली जलाने को लेकर जो है सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हम तो कर रहे हैं कार्रवाई और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश होगा उसको मानना सबका धर्म भी है, कर्म भी है, उसको सारे मानेंगे। हम उसके अलावा भी लगे हुए। केजरीवाल जी की तो अपनी कमियों को दूसरों की कमियों पर डालने की आदत है। अब जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें पराली का योगदान तो कोई 4% बताता है, कोई 10% बताता है। अगर 10% भी मान लो तो बाकी 90% के लिए तो केजरीवाल जी जिम्मेवार है ना। उस 90% को कम करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या कदम उठाए वो बताएं, अपने प्रदेश के लोगों को भी बताएं और आसपास के प्रदेश भी उनसे जानना चाहते हैं।